बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज है 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें फंक्शंस गिवन है और उसके हमने इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रल्स फाइंड करने। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इवेलुएट the following indefinite integrals. Indefinite integrals. इसके इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2-3 पार्ट्स हम यहाँ पर कवर करेंगे, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा फंक्शन आपने पहले भी देखा होगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो हमने सब्स्टिट्यूशन में हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जब इस तरह का या इससे सिमिलर कोई केस आता है या ऐसा कोई फंक्शन आता है, तो आप एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं ए साइन ऑफ थीटा से, ठीक है, इससे रिप्लेस करते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन का केस था, लेकिन यहाँ पर हमने जो है बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन को अभी स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट बाय पार्ट्स पर आते हैं। बाय पार्ट्स के लिए हमने देखा था कि हमें दो फंक्शन चाहिए होते हैं। यहाँ पर सिंगल फंक्शन हमें गिवन है, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो दूसरा फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि साथ में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट को एक पहला फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं और दूसरा फंक्शन जो है वो साथ में वन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम कहेंगे ये सेकंड फंक्शन है वन और फर्स्ट फंक्शन जो क्या है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यहाँ पर आ गया। अब हमने इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, बाय पार्ट्स हम अप्लाई करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो चलिए मैं साथ लिख देता हूँ कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स और ये वन जो है हमारे पास जी प्राइम ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि मैं बाय पार्ट्स के फार्मूला में पुट करने लगा हूँ। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, यानी कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड फंक्शन क्या है वन है, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर फाइंड करें तो एक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, फिर इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि वन की इंटीग्रेशन सेम वही यानी कि एक्स आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन यानी कि ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन ओवर टू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर वन और टू थी और उसमें से माइनस वन हम कर देंगे तो माइनस वन और टू बन गई, ठीक है। उसके अलावा विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव यानी कि माइनस टू एक्स साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एंड पे हम पी एक्स लिख देंगे क्योंकि इंटीग्रल साइन अभी भी मौजूद है। अच्छा, अब इसको हम आगे मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ हम लिख देते हैं और साथ में x, चले हम x को शुरू में लिख लेते हैं, x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद माइनस साइन है, ये मैंने माइनस साइन डाल दिया, इंटीग्रल साइन, और उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट 1 बाई टू आपको नज़र आ रहा है, इसको हम ऐसा करते हैं कि चले इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन बाहर आकर इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद एक्स जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वेयर बनेगा, एक्स स्क्वेयर और इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर माइनस वन बटू। अब इस पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टर्म तो सेम रहेगी लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और साथ में डी एक्स मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसको पावर के अलावा मैं स्क्वेयर रूट भी लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं पावर को हटाता हूँ और इसकी जगह मैं स्क्वेयर रूट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट।
ठीक है, अब हमने इसकी जो है इंटीग्रेशन फाइंड कर दी। तो ऐसा भी केस हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, वो कैसे करते हैं चलिए हम देखते हैं कि पहले बाकी टर्म्स तो हम एज इट इज उतार रहते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसमें क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है, मतलब कि इसमें क्या डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आ रही है? डिफरेंट ये चीज़ है कि जो वेरिएबल की पावर नीचे है वही वेरिएबल और उसकी पावर सेम उसी तरह से ऊपर है। जब ऐसा केस बन जाता है, साथ में कांस्टेंट नीचे मौजूद है, लेकिन उसको हम ऐसा करेंगे कि कांस्टेंट जो है हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी टर्म के साथ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे टर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही टर्म मैं ऊपर बनाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो वेरिएबल का साइन आप देखें, वेरिएबल क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है। हम ऐसा करते हैं बाहर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हो जाएगा, और इंटीग्रल से अंदर भी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के साइन जो हैं अब डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी सेम हो चुके हैं, साइन के अलावा वेरिएबल्स भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कांस्टेंट हम अगर ए स्क्वायर जो है एक कांस्टेंट है, अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड करता हूँ तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पावर को यानी कि स्क्वायर रूट को अगर आप इग्नोर करें तो सेम हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें ए स्क्वायर ऐड कर देते हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज़ उतार लेता हूँ, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, ये माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, ए स्क्वायर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है। उसके अलावा जब मैंने ए स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड किया है तो ये तो मतलब कि हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो गई है, जब हम खुद से कोई चीज़ ऐड करें तो हम साथ में उसी चीज़ को माइनस भी कर देते हैं ताकि उसका अफेक्ट ना हो इस एक्सप्रेशन के ऊपर, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट चेंज ना करे वो, ठीक है। तो ये मैंने ए स्क्वायर खुद से ऐड किया, ऐड क्यों किया, ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की टर्म्स सेम हो जाए। तो अभी इस माइनस ए स्क्वायर को मैंने साथ में माइनस कर दिया ताकि इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल कर सकूँ मैं, ठीक है। तो बाकी टर्म्स एज इट इज, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन। अब हम ऐसे करते हैं जो सेम टर्म्स हैं उसको अलहदा रखते हैं, और जो यानी कि डिनोमिनेटर के साथ जो मिल रही हैं, ठीक है, उसको हम अलहदा कर लेते हैं और बाकी टर्म्स हम अलहदा कर देते हैं। तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके अलावा माइनस ये वाला माइनस साइन है, और ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं हर एक टर्म के साथ भी अलहदा यानी कि सेपरेट कर सकता हूँ, यानी कि ए स्क्वायर ओवर दिस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर दिस माइनस ए स्क्वायर ओवर दिस, क्योंकि ये जो टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको नजर आ रहा है, ये हर एक टर्म जो न्यूमरेटर में मौजूद है उसको डिवाइड करेगी, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने इसको क्यों इकट्ठे रहने दिया, ताकि ये डिनोमिनेटर की टर्म और न्यूमरेटर की टर्म सेम रहे। अच्छा, अब इसको हम साथ में ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पर डी एक्स भी लिख देते हैं, ऊपर भी मैं डी एक्स भूल गया था, यहाँ पर भी डी एक्स आएगा क्योंकि हमने इसको एंड पे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए यहाँ पर डी एक्स होना ज़रूरी है। क्या आ जाएगा, एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये टर्म्स जो है दो सेपरेट टर्म्स हैं और दरमियान में माइनस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो हम इन दोनों टर्म्स को अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब कि अब सेपरेट टोटली कर सकते हैं। इंटीग्रल साइन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर, बल्कि साथ में यहाँ पर डी एक्स हम डाल देते हैं, टोटली हम इसको सेपरेट करते हैं, डी एक्स उसके बाद माइनस साइन ये, और अब ये वाली टर्म इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और साथ में डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने जो है इंटीग्रल साइन भी अब दोनों के लिए सेपरेट कर दिए। अब आगे हमने इसको सॉल्व करना है, चलें उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही है उसको हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम किसका किसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी वही रहेगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
और उसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा अब हमने ऐसा करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के इंटीग्रल साइन। अब यहाँ पर ऊपर पावर जो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, अगर एक सिंगल टर्म अगर बात करें कि एक सिंगल टर्म है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है वन, ठीक है, और नीचे भी सेम टर्म है उसकी पावर वन बाई टू है। अब इस वन बाई टू पावर को मैं अगर ऊपर ले गया हूँ तो ये वन माइनस वन बाई टू बन जाएगी, मतलब कि ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। अगर आप सिंप्लीफाई भी करके देखें तो यही आपके पास आएगा, ठीक है। साथ में डी एक्स माइनस, इस टर्म को मैं दोबारा से इस तरह लिख देता हूँ, ए स्क्वायर ओवर, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि जो कांस्टेंट ए स्क्वायर है उसको इंटीग्रल से हम बाहर ले जाते हैं, यानी कि ए स्क्वायर ये आ गया और यहाँ इंटीग्रल साइन से अंदर जो है वो वन बच गया, और डिनोमिनेटर में सेम टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू ए स्क्वायर रूट, साथ में डी एक्स। अब आप इस चीज पर गौर करें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आपको नजर आ रही है, यानी कि जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में आपको सेम टर्म नजर आ रही है, मतलब मैं चलिए इसको सर्कल भी कर देता हूँ, कि ये टर्म जो है इस टर्म के इक्वल है, दोनों सेम टर्म्स आ गए, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो मैं इस टर्म को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाता हूँ, और जो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर उसे भी मैं उसी तरह से लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर आगे पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, बाकी जो टर्म्स बचेंगी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, बल्कि ये टर्म तो हम लेफ्ट साइड पर लेके जा चुके हैं, तो ये टर्म आएगी जिसमें ए स्क्वायर बाहर कांस्टेंट बाहर मौजूद है, ठीक है। ये बनेगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो साथ में डी एक्स मौजूद है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखें, ये दो टर्म्स तो चलें सेम टर्म्स हैं और दरमियान में आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव साइन है, प्लस का साइन है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में एडअप हो जाएंगे, ठीक है, और ऐड हो के ये क्या बन जाएगा, टू, और सेम टर्म, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डी एक्स इज इक्वल टू। अब ये टर्म तो एज इट इज आ जाएगी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये मजीद इसको हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, थीके? और माइनस साइन, अब ये इसकी इंटीग्रेशन बाकी है, अभी इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी, इसकी इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें आपने देखा होगा, यानी कि जब सब्स्टिट्यूशन का हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड की थी, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन, या फिर आप कहें कि आपने डेरिवेटिव भी देखा हुआ है इस ये किसका, किस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके इक्वल आता है, साइन इनवर्स, अगर आप याद करें साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल आता है, इसी फंक्शन के इक्वल आता है, ठीक है, या साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए की अगर आप बात करें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स तो होता है ना वन ओवर वन स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन की जगह क्या मौजूद है, ए स्क्वायर या ए मौजूद है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली फिर मैं इसको जो है साइन इनवर्स ऑफ एंगल लिख दूंगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है, और साथ में प्लस सी वन, तो अब ये हमने तो इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करनी थी ना, तो जब इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है तो साथ में टू मौजूद है जो कि हम राइट साइड पर लेकर जाकर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है टू, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी वन,
या सी वन के साथ टू भी डिवाइड होगा, ठीक है, यहाँ पे भी टू डिवाइड होगा, तो सी वन डिवाइड बाई टू को हम सी के नाम देते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट्स हैं, सी वन भी कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, दोनों जब आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम सी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1/2 एक्स, या फिर 1/2 को भी हम इसके नीचे लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू। उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन आता है, वैसे प्लस साइन कैसे आता है, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी कि जो ब्रैकेट्स की असल में गलती हो जाती है अक्सर, ये ब्रैकेट्स यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये माइनस साइन जो है इसके साथ भी, इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस साइन इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब हमने सेपरेट किया था उस वक्त हमने माइनस साइन ही रहने दिया था, जब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव बनेगा तो निचली टर्म्स भी पॉजिटिव आते जाएंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और फिर फाइनली हमारे पास यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। प्लस फिर ए स्क्वेयर वन ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और सी वन बाई टू मैंने पहले बात की कि ये कांस्टेंट है तो इसको हम सी का नाम दे देते हैं, और साथ में हम मेंशन कर देते हैं कि सी सी जो है इक्वल है सी वन डिवाइड बाई टू के, ठीक है। तो ये थी इंटीग्रेशन। हम अगर बात करें कि हम सब्सटीट्यूशन के जरिए हम अगर इसको सॉल्व करें, तो इस सब्सटीट्यूशन के जरिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे ए साइन ऑफ थीटा, जब एक्स की जगह ए साइन ऑफ थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स भी यहाँ पर मौजूद है, डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे इस इन इस यानी कि इस इक्वेशन का आप डिफरेंशियल फाइंड कर लें, लेफ्ट साइड डी एक्स हो गया और ये ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा, तो मतलब कि डी एक्स की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं ए कॉज ऑफ थीटा डी थीटा को, और एक्स की जगह आप पुट करेंगे ए साइन ऑफ थीटा को, ठीक है। तो उस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो मतलब कि ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं पसंद, ठीक है, तो आप इस तरह से बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करते हुए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो ये था मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 2 है इसमें। पार्ट नंबर 2 में भी हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि हम जिसको पहले इंटीग्रेट कर चुके हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। अब इसको भी हमने जो है बाय पार्ट्स यूज करते हुए, बाय पार्ट्स का मेथड यूज करते हुए हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, जिस तरह से हमने यानी कि पिछले क्वेश्चन में देखा था कि दो फंक्शन होने चाहिए, तो दूसरा फंक्शन हम क्या ले लेते हैं, वन को ले लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और साथ में वन मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, और ये इंटीग्रल साइन और साथ में ये डीएक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें दो फंक्शंस बन गए, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इस पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो अगर इस पे अप्लाई करें तो मैं चलें फंक्शन उसके फार्मूले में पुट कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल एक्स आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होती है, वन की इंटीग्रेशन वन एक्स होती है, माइनस इंटीग्रल साइन और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्स सेम आ गई, और साथ में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट का इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2, क्योंकि पावर वन में टू है, पावर रूल लगेगा इस पर डेरिवेटिव यानी कि फाइंड करते हुए, 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर -1/2, यानी कि 1/2 -1 हो जाएगी ना, एक डिक्रीमेंट कर देते हैं डेरिवेटिव फाइंड करते हुए, तो साथ में विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 2x और साथ में ये dx। तो इस तरह से मतलब कि आप फाइंड कर सकते हैं, आगे मजीद मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, आगे इसको आप लेकर चलेंगे और मतलब आप इसको i कह सकते हैं, इज इक्वल टू i, और i आप किसे कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डीएक्स के, ठीक है। तो आई के एक सिंबल यूज़ करना आसान होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे जाके आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पर जो है इंटीग्रल लेफ्ट साइड को ले गए, ये सीन था, ठीक है।
कि ये हमने इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम जब क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन में जो फंक्शन आता है वही बन जाता है, तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। अगर यहाँ पे मैंने आई रखा होता, आई इससे रिप्लेस किया होता या लेट किया होता कि ये आई के इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे सिंप्लीफिकेशन मेरे लिए आसान हो जाती। ठीक है, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगती है तो आप इसको आई सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या फिर आप इसको लेट कर सकते हैं आई, उसके बाद आप इसको यानी कि सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको भी इशू को मतलब कि रिमूव करूँगा।